किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान। आज आप सुनेंगे इसका अगला अध्याय, पूंजीवाद ने प्रेम को सम्मान पूर्ण स्थान दिया। ये इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी है। कामेच्छा मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक चीज है। एक अर्थ में इसकी तुलना भूख और प्यास से की जा सकती है कि इसे तृप्त करने की जरूरत महसूस होती है। सोवियत रूस के जीव विज्ञानियों, मनोविज्ञानियों और मानव विज्ञानियों ने पानी के गिलास वाले सिद्धांत अर्थात शुष्क भौतिकवादी सिद्धांत को अच्छी तरह परखा। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि प्यास कामेच्छा से मूलतः भिन्न है। जन्म के समय कामेच्छा नहीं होती, कौमारी अवस्था प्राप्त होने पर ही वो पूरी तरह विकसित होती है। कामेच्छा जागृत होने के साथ किसी भी लड़के या लड़की के शरीर और मस्तिष्क में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते जाते हैं। मनुष्यों में इस इच्छा की आनंदमयी तृप्ति मस्तिष्क विचारों, धारणाओं और सपनों के प्रभाव से और अधिक बढ़ती जाती है। भूख और प्यास को लगातार बुझाते रहना शरीर कायम रखने के लिए नितांत जरूरी होता है, किंतु कामेच्छा की तृप्ति इतनी जरूरी नहीं। दूसरी तरफ मनुष्य के लिए इंद्रिय संभोग का भौतिक उद्देश्य उसके स्वयं जीवित रहने की इच्छा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप लोग माता पिता बनते हैं, वे नए जीव को जन्म देते हैं, वे मानव जाति का सृजन करते हैं। इसी प्रकार ये भी सर्वविदित है कि संभोग से परम आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद इतना जटिल और मस्तिष्क द्वारा रंग बिरंगा बना दिया जाता है कि संभवतः इसकी तुलना पानी पी लेने या खाना खा लेने से नहीं की जा सकती। इसी बात को लेकर सोवियत वैज्ञानिकों ने पुराने नीतिवेत्ताओं से आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मानव विकास के इतिहास में यौन संबंध अपरिवर्तित रहे हैं। उन्होंने ये भी मानने से साफ इनकार कर दिया कि यौन समस्या को कभी न हल होने वाली समस्या मान लिया जाए। पुराने विचारों को चुनौती देने वाला उन्होंने एक नया विचार पेश किया। आज के समाज में मनुष्यों के यौन संबंध पुरातन के यौन संबंधों से उतने ही भिन्न हैं, जितने कि हमारे सहृदयतापूर्ण व्यवहार पशुओं के व्यवहार से भिन्न है। उन्होंने प्रेम शब्द की नई व्याख्या पेश की। उन्होंने प्रेम को भोग लालसा की तृप्ति का साधन कहकर ही इति नहीं कर दी। प्रेम को भोग लालसा की तृप्ति का सिर्फ साधन मानने की बजाय उन्होंने ऊंचे उठकर ऐतिहासिक तथ्यों के सहारे ये घोषणा की कि जिस प्रेम की आज हम बात करते हैं वो मानव समाज के महान प्रगतिशील व क्रांतिकारी विकास का द्योतक है। उन्होंने कहा कि प्रेम के संबंध में सही समझदारी और उसका अनवरत विकास ही वो आधारशिला है जिस पर एक सच्चे नैतिक समाज का निर्माण हो सकता है। ये बात कुछ असंगतिपूर्ण लगती है कि वैज्ञानिक गण प्रेम के संबंध में अपना सिद्धांत गढ़े। बात कम मनोरंजक भी नहीं है। हमारे लिए संभवतः ये कल्पना करना कठिन होगा कि एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान जैसे जटिल विषय का नीरस प्रोफेसर भी इस संबंध में क्या मत पेश करेगा। सो लीजिए, हम सोवियत वैज्ञानिकों की विस्तृत खोजबीनों के बुनियादी सारांशों तक ही अपने को सीमित कर लें। आरंभ में आदिकाल के मनुष्यों के जीवन में कामेच्छा का स्थान पशुओं के मुकाबले कुछ ऊंचा ही था। इंद्रिय भोग की लालसा पुरुष का मुख्य गुण था, स्त्री केवल इस इच्छा को तृप्त करने और बच्चे पैदा करने का साधन थी। उस काल के मनुष्यों को जीव विज्ञान संबंधी बातों का ज्ञान शून्य के बराबर था। तब तक ये मालूम नहीं था कि स्त्री कैसे गर्भ धारण करती है, इसलिए इस बात को मानने की गुंजाइश ही नहीं थी कि संतान उत्पत्ति में स्त्री पुरुष का समान उत्तरदायित्व होता है।
इसलिए उस काल के समाज का विशेष लक्षण था सामूहिक विवाह। इस प्रथा का अर्थ स्वयं ही स्पष्ट है। एक समूह की स्त्रियां समय समय पर उस समूह के सब या अधिकांश पुरुषों से संभोग करती थी। प्रागैतिहासिक काल का आदि मानव उन रोमानी अनुभूतियों से जरा भी नहीं छू गया था जिनकी कल्पना करके बाद में रोमानी कथाएं रची गई। उसकी स्त्री उसके लिए बच्चे पैदा करने वाली थी, वो सिर्फ उसका हुक्म बजा लेने वाली थी। धीरे धीरे व्यवस्थाहीन समाज से बर्बर समाज का विकास हुआ। इस समाज के अभ्युदय के साथ ही जोड़ों के विवाह अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री के यौन संबंध पर आधारित विवाह शुरू किए। इस प्रथा की आधारशिला जीव विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी थी। ये जानकारी कि एक पुरुष और एक स्त्री के संभोग से शिशु का जन्म होता है, अस्तु ये शिशु न केवल स्त्री से बल्कि पुरुष से भी जन्मा था, किंतु बहुतों की संपत्ति की बजाय केवल एक पुरुष की संपत्ति बन जाने पर भी स्त्री की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। स्त्री पूर्ण रूप से पुरुष की दासी बनी रही और बहुत सी असभ्य जातियों में उसे कठिन से कठिन काम करना पड़ता था। बर्बर समाज के गर्भ से प्रारंभिक सभ्यताओं का जन्म हुआ। इस बात को न तो सोवियत विद्यार्थी न ही दूसरे देशों के अधिकारी मानते हैं कि यौन संबंधों में परिवर्तन के प्रभाववश ही मानव जाति बर्बरता से ऊपर उठ पाई। इस परिवर्तन में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कारण निहित थे, उन पर विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो स्पष्ट है कि विकास मान सभ्यता के अमली प्रभाव अत्यंत सरल थे। बर्बर जातियों की अपेक्षा सभ्य मानव जाति अनाज, मकान, वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके। यद्यपि ये बात सही है कि बहुसंख्यक लोग अब भी गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाले थे, फिर भी इन प्रारंभिक सभ्यताओं से कुछ लोगों को तो जरूर ही आराम से जीवन बिताने का मौका मिला। तरह तरह की बातें सोची जा सकी और जीवन के रहस्य के बारे में पता लगाने का इन लोगों को मौका मिला। स्वाभाविक ही था कि पहले पहल जिन रहस्यों ने मनुष्य के मस्तिष्क को उलझा दिया, उनमें से एक काम रहस्य भी था। नृवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पुरातन मानव ने काम और धर्म को परस्पर संबंधित कर रखा था। कुछ देवताओं और देवियों को वीनस, सीरीज, स्टार्य, आइसिस व माइलिंता आदि को काम सूत्र में बंधे पाते हैं। प्राचीनतम धार्मिक रीति रिवाजों ने पृथ्वी के उपजाऊपन को, सूर्य की जीवनदायक ऊष्मा को और दूसरी सरल संगठनाओं को काम संबंधी जटिल और आनंददायक तथ्यों से और मातृत्व के भयप्रद अद्भुत रहस्य से संबद्ध किया। इन बातों को आज के बहुत से लोग जानते हैं। बिना धर्म की दुहाई दिए वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज के और पुरातन के धर्म की रूपरेखा में काफी समानता के बावजूद पुरातन धर्म की अनेक आध्यात्मिक बातें और पूजा पाठ के तरीके बहुत भिन्न थे। पुरातन धर्म और वर्तमान धर्म की रूपरेखाओं में कितना भारी अंतर है, ये वेश्यावृत्ति से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट कर देते हैं। महापुरातन काल की वेश्या देव मंदिर की गणिका होती थी। मानव इतिहास के बर्बर और अर्ध सभ्य समाजों के धर्मों की मान्यता थी कि तमाम औरतें आत्मार्पण एक बार या अनेक बार पुरोहितों या दूसरों के सामने अवश्य करें। जो औरत इससे इनकार करती उसका दंड ये माना जाता कि वो आजीवन निस्संतान रहेगी, कि उस पर दैवी प्रकोप होगा। उदाहरण के लिए बेबीलोन में गरीब हो या अमीर, हर औरत को एक बार वीनस के मंदिर में अवश्य जाना पड़ता था। उसे मंदिर के बगीचे में तब तक खड़ी रहना पड़ता था जब तक उसी की जाति का कोई अजनबी आकर उसके साथ संभोग न करे। समकालीन इतिहासकार सबूत छोड़ गए हैं कि कभी कभी बहुत ही सुशील इच्छा रहित महिलाओं को भी बरसों इस बात में लग जाते कि वे किसी पुजारी को रिझाएं और वो उनके साथ संभोग करके उनके लिए मुक्ति का द्वार खोले। ये भी जानी मानी बात है कि अधिक काल तक ये परंपरा धर्म के आवरण में ढकी न रह सकी। मंदिरों को कायम रखने और पुरोहितों के खान पान के बंदोबस्त के लिए हर भक्त को मंदिर में चांदी का एक चमकता हुआ पवित्र सिक्का छोड़ाना पड़ता था। इस प्रथा के परिणाम स्वरूप
बहुत ही गंदे और कुत्सित विचारों का जन्म हुआ। ऐसे लोगों की कमी न थी जो देवताओं को इस सरल उपाय से प्रसन्न करने के लिए सदा तैयार रहते थे। दूसरे, कुछ महिलाओं को पता चला कि अपनी दूसरी भाग्यहीन बहनों से भिन्न वे बारंबार मंदिर में जा सकती हैं और हर बार कोई न कोई उदार पूजक उन्हें चांदी का सिक्का देने को तैयार रहता है। परिणाम स्वरूप पतित पुरोहितों ने तय किया कि इस तरह इकट्ठा होने वाले पैसे में हम लोग भी हिस्सा बांट करें और धीरे धीरे मंदिर में देव पूजा का स्थान व्यभिचार ने ले लिया। लोग मंदिर में केवल इस इरादे से जाते कि अपनी लिप्सा को शांत करें। औरतें और मंदिर के पुरोहित रकमें सीधी करने में लग गए। मंदिर मंदिर न रहे, व्यभिचार के अड्डे बन गए। एक सामाजिक कुरीति के रूप में व्यभिचार की इस प्रकार स्थापना हुई, आधा व्यवसाय आधी धर्म परायणता। सदियों तक इसका यही रूप रहा। भारत में तो इसका ये रूप कहीं कहीं अब भी पाया जाता है। वहाँ देव नर्तकियाँ युगों पुरानी देव दासियों के समान अब भी मंदिरों में नाचती हैं और शायद कोई ग्राहक अच्छी रकम देकर उन्हें अपना भी सकता हो। ईसाई मजहब ने, जैसा कि सर्वविदित है, तमाम पश्चिमी देशों से इस तरह की प्रथा को समाप्त किया। पर व्यभिचार का अंत इससे भी नहीं हुआ। हुआ ये कि बदचलन औरतों के अड्डे गिरजाघर से हटकर दूर घनी बस्तियों में बन गए। इसका पूर्वाभास यूनान के प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। यूनान के प्राचीन इतिहास के प्रति कवियों और विद्वानों की श्रद्धा व भक्ति का मैं आदर करता हूँ। पौराणिक हेलेनिक सभ्यता की प्रशंसा करने के बाद जब हम उस युग के जीवन के तथ्य सामने रखते हैं तो हमें सहम जाना पड़ता है। पर उस काल के वास्तविक तथ्यों को नजदीक से देखने पर हमें पता चलेगा कि उस काल की जैसी प्रशंसा पाई जाती है वो कुछ असंयत भी है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक डेमोस्थनीज को प्रेरणा देने वाली महिला सैक्स स्वयं एक व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार की व्यभिचारिणी अस्पासिया भी थी, जिसे पेरिक्लीज हृदय से पूछता था। ये महिलाएं बहुत ही ऊंचे दर्जे की वेश्याएं थी, पर उनकी सुंदरता और बुद्धि के बारे में कही गई तमाम बातें इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। क्या सेक्स और क्या अस्पासिया सभी प्रेम धन से करती थी। उनके नंबर सबसे आगे इसीलिए हैं क्योंकि उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचने की चतुराई मौजूद थी। पर जिन लोगों को चतुराई भरी बातों में मजा नहीं आता था, यानी जो नाच गाना ज्यादा पसंद करते थे, उनके लिए मझले दर्जे की वेश्याएं यानी एल्यूट्रेडी थी। गरीबों के लिए निम्नतम दर्जे की वेश्याएं विक्टेरियाड थी। ये था यूनान में महिलाओं का क्रम विभाजन। यद्यपि इस व्यभिचार पर धर्म की छाप लेश मात्र भी नहीं थी, तथापि इसे जरा भी बुरा नहीं समझा जाता था। व्यभिचार की ऐसी ही व्यवस्था रोम के प्राचीन गौरवपूर्ण दिनों में भी थी। वहां के सुप्रसिद्ध बात आजकल के कुत्सित ग्रहों से ज्यादा भिन्न नहीं थे। थोड़ा सा फर्क यही था कि बात बहुत ही सजे धजे होते थे और उनके आसपास सफाई ज्यादा रहती थी। देखा जाए तो ईसाई मजहब ने इस क्षेत्र में जो अमली तब्दीलियां की, उनसे अच्छाई की बजाय बुराई ज्यादा हुई। सच है कि वेश्या के घर को गिरजाघर से सदा के लिए दूर कर देने से एक नैतिक विजय हुई, पर गंदगी और गरीबी में आकर ये वेश्याएं सामाजिक बीमारियों की जड़ बन गई। यदि किसी भी दिशा में उनकी तरक्की हुई तो उनकी संख्या में। समाज में वेश्याओं को बुरी नजर से मध्य युग की कई शताब्दियों तक देखे जाने का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सच पूछो तो धर्म युद्धों यानी क्रूसेड्स के दिनों में भी व्यभिचार का खूब बोलबाला था। यद्यपि चार्ल्स दी बोल्ड की सेना अधर्मी पूर्वी देशों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने निकली थी, तथापि कहा जाता है कि उसके साथ 4000 महिलाएं संगिनी के रूप में थी। बड़े बड़े खेलकूदों, त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर व्यभिचार इतने व्यापक पैमाने पर फैलता कि लिख सकना कठिन है। चिकित्सा के इतिहास में हमें उसकी अच्छी खासी झांकी मिल जाती है। अस्तु ये जानना अच्छा ही होगा कि जिस व्यभिचार को इतने बड़े पैमाने पर बर्दाश्त किया जाता था,
वो सामाजिक समस्या कैसे बन गया। 12वीं शताब्दी के मध्य में लिस्बन के विरुद्ध धर्मयुद्ध चलाने वाले जर्मन और अंग्रेज राव राजाओं की चिंताओं का ठिकाना न रहा जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सेनाएं तो अपनी संगिनियों से ही उलझी हुई हैं। उन्होंने फौरन कड़ा नियम जारी कर दिया कि फौज का वेश्याओं से कोई संबंध न रहे। उदाहरण के लिए इतिहास प्रसिद्ध फ्रेडरिक प्रथम की घोषणा निम्नलिखित थी, किसी के क्वार्टर में औरत न पाई जाए, अगर किसी ने औरत रखने की जरूरत की तो उसके हथियार उसे छीन लिए जाएंगे और उसे अधर्मी करार दे दिया जाएगा, औरत की नाक काट ली जाएगी। संगिनियों की इस दुर्गति से व्यभिचार को खत्म करने में उतनी ही सफलता मिली जितनी नाइटों यानी युद्ध प्रेमी वीरों की बेइज्जती करके या ईसा मसीह के नाराज होने का डर दिखाकर मिली थी, अर्थात बिल्कुल नहीं। एक बात जरूर हुई, फ्रेडरिक की दंड योजना की बार बार नकल की गई पर व्यर्थ। बाद के 500 सालों में यूरोप के जल्लादों ने न जाने कितनी बदकिस्मत औरतों की नाके काट डाली होंगी। जो भी हो, इस स्थिति का सामना उन औरतों को नहीं करना पड़ा जो धनिकों की कृपा पात्र थी। शांति काल में तो इन महिलाओं ने मनमाना ऐश किया। दुविजेवा नामक पादरी ने अपनी एक रिपोर्ट में 1180 के लगभग बताया है कि बहुधा फ्रांस की महारानी और राजघराने की दूसरी महिलाएं खूबसूरत वेश्याओं को ऊंचे घराने की महिलाएं समझ बैठती थी। बाद में उन्हें पश्चाताप होता था। इसी कारण लुई 13वें ने कानून बना दिया कि वेश्याएं चूनर न ओढ़ें, ताकि लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो कि कौन वेश्या है और कौन नहीं। 200 साल बाद जब फौजों से व्यभिचार खत्म होता दिखाई न दिया तो यूरोप के युद्ध शास्त्रियों ने एक नया नियम बनाया। यह नियम कहीं कहीं तो तब से कायम रहता आया है और आज भी कायम है। इसका नाम था व्यभिचार नियंत्रण कानून। मुमकिन है कि कुछ और लोगों ने भी पहले इसे शुरू किया हो, पर जहां तक हमें मालूम है सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने 1380 में अपने सेनापति को आदेश दिया था कि शाही सेना के साथ लगी हर व्यभिचारिणी औरत से साप्ताहिक फीस वसूल की जाए। बाद में अंग्रेज, फ्रांसीसी, इतालवी तथा डच शासकों ने भी अपने भिन्न भिन्न अफसरों को इसी तरह का काम सौंपा। 100 बरस से कुछ ही पहले नीदरलैंड पर जब ड्यूक ऑफ आलवा ने चढ़ाई की तो उसकी फौज के साथ वेश्याएं बड़े ठाट बाट से थी। कई 100 वेश्याएं तो सहजादियों के से कपड़े पहने थी और हर एक के पास सवारी के लिए एक अच्छा घोड़ा था, बाकी पैदल थी। फौजियों की तरह कतार बांधे वे भी हाथ में झंडे लिए चल रही थी। वेश्याओं के हर दस्ते के हाथ में उन्हीं फौजी टुकड़ियों का झंडा था जिनसे उनका संबंध था। ड्यूक ने हुक्म जारी कर दिया था कि जो भी फौजी नियत फीस दे उसे हर औरत को मंजूर करना पड़ेगा और उसके साथ संभोग करना पड़ेगा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान का अगला अध्याय, पूंजीवाद ने प्रेम को सम्मानपूर्ण स्थान दिया। ये इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी थी। तो अगले सप्ताह इसकी अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को, नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।